बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, इस डायलॉग ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं सभी ऑडियंस के। आइए जानते हैं आखिरकार इस डायलॉग से कैसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग केस मामले को एक बार फिर याद किया जा रहा है। शाहरुख खान की फिल्म जवान का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर से शाहरुख खान एक बार फिर एक्शन किंग बनकर उभरे हैं। ट्रेलर में उनका खूंखार और चुलबुला दोनों ही अंदाज देखने को मिला है। वहीं विजय सेतुपति का किरदार देख एक बार फिर 90 के दशक के विलेन की याद आ जाएगी। फिल्म में शाहरुख खान के एक डायलॉग की खूब चर्चा हो रही है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि शाहरुख खान ने एक साफ मैसेज दिया है। इस डायलॉग को सुन लोगों ने आर्यन खान ड्रग केस से भी जोड़ लिया है। इस रिपोर्ट से हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। दरअसल ट्रेलर में शाहरुख खान कुछ गुंडों के चंगुल में फंस जाते हैं। यहाँ वह कहते हैं कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बस यह डायलॉग शाहरुख खान के मुंह से निकला और छा गया फिल्म गलियारों के चाणक्यों को कहना है कि इस डायलॉग से शाहरुख ने आर्यन खान ड्रग केस की तरफ इशारा कर दिया है। इस डायलॉग से शाहरुख खान और गौरी खान ने क्लियर मैसेज दे दिया है, आपको बच्चों पर आंख उठाने से पहले हमसे बात करने पड़ेगी। आपको बता दें, 2 साल पहले आर्यन खान को इस ड्रग केस के एक क्रूज में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उनका नाम अब चार्जशीट से हटा दिया गया है, लेकिन इस डायलॉग से उन्होंने अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे दिया है। अब ऐसे में इस डायलॉग ने तो वाकई में तहलका मचा दिया है। आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति, सान्या मल्होत्रा और प्रिया मणि जैसे कई कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को साउथ फिल्म के मेकर्स इटली ने डायरेक्ट किया है। ऐसे में फिल्म में जबरदस्त तरीके से तहलका मचा दिया है और अब फैंस की नजर इस फिल्म के रिलीजिंग डेट पर है।